शाम को आते हुए राशन लेते आना। और हाँ, मुन्ना के स्कूल में फीस भरनी है, उसके लिए पैसे देते जाओ। बीवी की इस मांग पर जेबें उल्टी करके दिखाने के सिवा बड़े के पास कोई दूसरा उत्तर नहीं था। माथे पर चिंता के शिकनों के साथ सवेरे तो बड़ा भाई अपने काम पर निकल गया, लेकिन उस शाम उसने पूरे परिवार के सामने इस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए एक प्रस्ताव रखा। क्यों ना हम उस प्लॉट को बेच दें जिसे बाबूजी ने लक्ष्मी को शादी में देने के लिए खरीदा था। बेटी की दी हुई चीज़ वापस नहीं मांगते, पाप लगता है। लक्ष्मी का जन्म होते ही घर खुशियों से भर गया था, तभी तुम्हारे बाप ने तय कर लिया था कि यह प्लॉट लक्ष्मी का है जो उसे उसकी शादी में दे दिया जाएगा। माँ ने अपना विरोध जताते हुए कहा, कौन सी बेटी? वो बेटी जो प्रेम विवाह कर घर की इज्जत को खाक में मिला गई और पिताजी की अंतिम यात्रा में भी शामिल ना हुई। बड़े भाई ने टोंट मारते हुए कहा, मेरा मुंह मत खुलवा, यहाँ कौन नहीं जानता कि लक्ष्मी को उस दिन गली के नाके से ही लौटा दिया गया था और उससे अपने पिता से आखिरी बार मिलने का हक भी छीन लिया गया था। माँ ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। माँ के इस वार से दोनों बेटे चुप हो गए। ना बड़ा बेटा कुछ बोल पाया, ना छोटे बेटे के मुँह से कोई शब्द फूटा। थोड़ी देर की शांति के बाद छोटा भाई बोला, प्लॉट बेच तो देंगे पर क्या लक्ष्मी कागजात पर दस्तखत करेगी? मुझे नहीं लगता वो हमारा भला सोच भी सकती है, आखिर है तो औरत जात, पुरुषों की परिस्थिति कैसे समझ पाएगी। काफ़ी वाद विवाद और सोच विचार के बाद सब इस बात पर सहमत हो गए और पड़ोस के मोहल्ले की लक्ष्मी की दोस्त को बोलकर लक्ष्मी को घर आने का न्योता दे दिया गया। अगले दिन सुबह से गली के नाके पर खेल रहे बड़े भाई के लड़के की बुआ आ गई की आवाज़ सुन घर वाले चौकन्ने हो गए। दोनों भाई मन में द्वेष और नफरत के साथ उसको कैसे घर में आने के लिए कहे इसी दुविधा में थे। वो कहते हैं ना, ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। उसी कहावत के हिसाब से दोनों भाई बहने से बात करने के लिए तैयार हुए। दरवाजे पर जब बेटी और दामाद ने पूरे 7 साल बाद कदम रखा तो माँ की आंखें भर आई और दोनों को बड़े प्यार से घर के अंदर लेकर आई। बेटी और दामाद भी माँ का इतना स्नेह देखकर भाव विभोर हो गए। शाम को साथ में बैठे बेटी दोनों बेटों और दामाद के आगे हिचकिचाते हुए माँ ने ही प्लॉट का मुद्दा उठाया। लक्ष्मी को थोड़ा अंदेशा था कि कोई बड़ी बात होगी। लक्ष्मी उसी दिन से ये सोच रही थी कि ऐसी क्या बात हो सकती है कि जो खड़ूस भाई उसे बाप का मुंह भी दिखाने के खिलाफ थे वो अचानक कितने कैसे पिघल गए। लेकिन अब उसको सारी बात समझ में आ गई। लक्ष्मी ने तिरछी नज़र से पति की तरफ देखा तो वो बोल पड़ा, देखिए माँ जी, शादी से पहले जो कुछ आपका था वो आपका ही रहेगा, ना उस पर मेरा या लक्ष्मी का कोई हक था ना है, ना ही भविष्य में हम मांगेंगे। इसलिए आप निश्चित होकर उस प्लॉट के साथ जो करना है कीजिए, आप जहाँ कहेंगे हम वहाँ साइन कर देंगे। सुबह से अपने जीजा से नज़रें चुरा रहे दोनों भाइयों ने अब अपने जीजा को अच्छे से देखा। सुबह प्लॉट के कागजात पर बहन के दस्तखत लेकर काम खत्म किया जाए यह तय हुआ। सब इस मीटिंग को ख़त्म कर उठ ही रहे थे कि टीवी पर अनाउंसमेंट हुआ कि आने वाले 21 दिनों तक देश में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। लक्ष्मी के पति ने फ़ोन पर बात करने के बाद कहा, अब हम क्या करेंगे लक्ष्मी, कल की बस भी रद्द हो गई है और 21 दिनों तक कोई बस नहीं है, हम तो फंस गए। इस खबर से दोनों भाई बहुत निराश हो गए क्योंकि एक तो उनकी आमदनी कम थी और दो लोगों का और खाने पीने का बोझा बढ़ गया था। लेकिन माँ अंदर ही अंदर खुश थी क्योंकि इतने वर्षों बाद घर वापस लौटी बेटी इसी बहाने कुछ दिन आराम से उसके साथ रह पाएगी। दोनों भाई छुटक सब्जी और फल बेचा करते थे। कुछ दिनों में ही लॉकडाउन के चलते और कोरोना वायरस के चलते लोगों ने उनसे सब्जियां और फल खरीदने बंद कर दिए। पहले से ख़राब उनकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा ख़राब होने लगी और वो मन ही मन लक्ष्मी के कदमों को अशुभ मानने लगे। बहन और जीजा जी से उनकी ये हालत छुपी नहीं थी,
लक्ष्मी के कहने पर उसके पति ने दोनों भाइयों की सब्जी और फल की रेडियो पर लोहे का रॉड और जालियां फिट कर दी। बाजार जाकर दोनों के लिए कैप, हाथों के दस्ताने और थोक के भाव से सब्जी और फल खरीद लाए। दोनों के रेड़ियां अच्छे से तैयार कर फल और सब्जियां ढक कर दोनों भाइयों को टोपी और दस्ताने देकर जिया जी ने उनसे कहा, एक बार इस तरह से धंधा करके देखो, शायद आपका मुनाफा बढ़ जाए। थोड़ी आनाकानी करने के बाद दोनों भाइयों ने जीजा जी के समझाए अनुसार धंधा शुरू किया। 2-3 दिनों बाद ही कोरोना से घबराए लोग अब ढकी हुई फल और सब्जियां और दस्ताने और सेफ्टी का ध्यान रखते बेचने वालों से ही फल और सब्जियां खरीदने लगे। इस तरह समझदार दामाद की वजह से धीरे धीरे दोनों भाइयों का धंधा अच्छा चलने लगा और उनके घर का गल्ला जो पहले खाली हो रहा था अब धीरे धीरे भरने लगा। माँ जैसे अपने मरे हुए पति से मन ही मन संवाद साधने लगी, देखो जी आपकी लक्ष्मी सच में लक्ष्मी है, उसके पाँव घर में पड़ते ही घर खुशियों से भर रहा है। दोनों भाइयों के आंखों में पहले जो गुस्सा था उसकी जगह अब शर्म ने ले ली थी। वो मन ही मन सोचते थे, क्या गलत किया था बहन ने जो हमने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया, शादी ही तो की थी और शादी करने से पहले हमें बताया भी तो था, हम ही थे जो उसे स्वीकार नहीं कर पाए। दोनों भाइयों के मन में द्वेष और नफरत धीरे धीरे क्वारंटीन हो गए। 21 दिन बाद जब दीदी और जीजा जी प्लॉट के कागज पर साइन करने जाने लगे तब दोनों भाइयों ने उन्हें रोक लिया और उनकी माफ़ी मांगते हुए वो पेपर्स उन्हें देते हुए बोले, शादी के वक्त हमने आपको कोई तोहफा तो दूर की बात है आपका हक भी नहीं दिया, लेकिन अब इस प्लॉट को स्वीकार कर हमें प्रायश्चित करने का एक मौका दीजिए। सभी के आंखों में खुशी के आंसू आ गए और माँ ऊपर देखकर बोली, देखा आपकी लाडली आज फिर हमारा घर खुशियों से भर दिया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।